सनराइजर हैदराबाद की टीम आईपीएल के 16वें मुकाबले में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी। अपना पहला मुकाबला हारने के बाद सनराइजर अपने पिछले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 4 मैचों में 2 में ही जीत हासिल हुई है। सनराइजर के लिए दिल्ली को उसके घरेलू मैदान पर मात देना आसान नहीं। हालांकि टीम अगर अपने लकी चार को प्लेइंग 11 में जगह देती है तो टीम की जीत लगभग पक्की है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नबी। नबी सनराइजर हैदराबाद के लिए आईपीएल में हमेशा ही लकी साबित हुई। उन्होंने आज तक सनराइजर के लिए 6 मैच खेले हैं और उन सभी मैचों में हैदराबाद को जीत हासिल हुई है। नबी ने साल 2017 में 3 तो साल 2018 में 2 मैच खेले थे। इस साल उन्होंने आरसीबी के खिलाफ मौका दिया गया था और उन्होंने 11 रन देकर 4 विकेट हासिल करके बैंगलोर की हार में अहम रोल निभाया था। दिल्ली के खिलाफ अगर एक बार नबी को मौका मिलता है तो वह हैदराबाद को जीत हासिल हो सकती है, चाहे वो नबी का लक हो या गेंदबाजी। बात करें दोनों टीमों की तो सनराइजर हैदराबाद की टीम में जॉनी बैरिस्टो, डेविड वार्नर, विजय शंकर, यूसुफ पठान, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, राशिद खान, मोहम्मद नबी, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, केन विलियमसन, वृद्धिमान साहा जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें दिल्ली की टीम की तो दिल्ली की टीम में पृथ्वी शाह, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कॉलिन इंग्राम, क्रिश मॉरिस, हनुमा विहारी, हर्षल पटेल, कैगिसो रबाडा, आवेश खान, संदीप, कॉलिन मुंडो, अंकुश बैन, अक्षर पटेल, मनोज कार्ला आदि शामिल है। बात करें आज के मैच की तो दोनों टीमों में सनराइजर हैदराबाद का पलड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम है जिसने कई बार आईपीएल में दर्शकों को चौंकाया है। देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। कमेंट करके अपने विचार साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।